नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। पांच के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। बीजेपी के एजेंडे में विकास भी है तो हिंदुत्व भी है, और एक्सप्रेस वे है तो राम मंदिर भी है। जिले जिले में मेडिकल कॉलेजों की बुनियाद है तो भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 से 3 दिनों में अपने वाराणसी दौरे से ही यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम ने काशी में ही पाठशाला लगाकर चुनावी मंथन भी किया। वहीं अब काशी के बाद बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का अगला पड़ाव अयोध्या धाम रहा। रामलला के दरबार में सरकार ने हाजिरी लगाई। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों ने सीएम सरयू तट पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर भी पूजा अर्चना की गई। राम मंदिर पर फैसले के बाद जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्रियों की यह पहली अयोध्या यात्रा है। तो पीएम के वाराणसी दौरे और जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का अयोध्या दौरे में ही इसका भी जवाब छिपा हुआ है कि बीजेपी अब हिंदुत्व के लिए क्या भुनाएगी। वहीं विपक्षी दल भी वोटरों को साधने के लिए अपने अपने पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो बीजेपी के धार्मिक कार्ड की काट निकाल पाएंगे। तो दरबार में सरकार, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्वनी शाही जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अमलेंद्रु उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले अमलेंद्रु उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरीके से राजनीति की अच्छी खासी समझ आप रखते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, एक के बाद एक पैतरे यहां पर चले जा रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। बात की जाए हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो उभर कर सामने आ रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो तो पहले से ही मैदान में थे, और अब जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं उन्होंने आज अयोध्या पहुंचकर पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, कैसे देख रहे हैं आप पूरे राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो? देखिए साहिल जी, हमें हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमेशा से था, ऐसा नहीं है कि वो आज एजेंडा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंडा और कोई दूसरा है ही नहीं, हिंदुत्व ही एजेंडा है, और हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा है। तो इसलिए ये कहना कि हिंदुत्व का एजेंडा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया, मुझे लगता है कि ये शायद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमेशा से ही हिंदुत्व रहा। अब ये है कि वो हिंदुत्व से कितना भाजपा को लाभ हुआ किस चुनाव में और कितना नहीं हुआ, इसकी एक समीक्षा जो है वो हो सकती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी तौर पर जो इसकी समीक्षा निश्चित तौर पर करती होगी कि हिंदुत्व का एजेंडा उसको किस किस चुनाव में कितना जो है वो उसे सफलता मिली और कितना जो है वो असफल रहा। जहां तक इस उत्तर प्रदेश चुनाव का सवाल है, तो देखिए इस समय हिंदुत्व का एजेंडा खासतौर से इसलिए भी है भारतीय जनता पार्टी का, और एक उग्र हिंदुत्व का एजेंडा कह लीजिए या कह लीजिए कि उस पर जोर इसलिए भी है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ इस समय उभर रही है जनता में जी, तो उससे निपटने का और कोई रास्ता दिखता नहीं है हिंदुत्व के अलावा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व पे ही जो है जमे रहना होगा, और मुझे लगता है कि वो इसमें जमी भी रहेगी। दूसरे विपक्षी दल जो है उसको और मुद्दों पर लेके आने की कोशिश करेंगे, रोजी रोटी रोजगार, कोरोना का मिसमैनेजमेंट, सब पे लेके आने की कोशिश होंगी, लेकिन भाजपा जो है अपनी हिंदुत्व की पे छोड़ेगी नहीं, और अगर उसे छोड़ती है तो वो मुझे लगता है कि नुकसान में रहेगी। जी साहिल जी, अमलेंदु जी, लेकिन इस बात से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ हिंदुत्व तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सौगातों की भी बौछारें यहाँ पर हो रही, उसको कैसे देखेंगे जल्दी से? देखिए ये सौगात शब्द जो है मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सौगात कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जो भी कुछ दिया जाता है, सरकार जो भी कुछ देती है वो जनता के पैसे से ही देती है, तो ये सौगात नहीं है। उत्तर प्रदेश का अधिकार भी बनता है, क्योंकि राजस्व भी यहाँ से आता है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, तो इसलिए उसका अधिकार भी बनता है। तो मुझे लगता है ये सौगात शब्द जो है वो ठीक नहीं है, बाकी जो उत्तर प्रदेश का हक बनता है उसको मिलना चाहिए। और अच्छी बात है कि ये सरकार दे रही है, घोषणाएं हो रही है, नई घोषणाएं हो रही है, तो काम हो उन पे और अच्छी बात होगी। वही अमलेंदु जी, वही मैं कह रहा हूँ, सौगात जैसे कि आपने कहा कि शब्द नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए तो जो चीजें नहीं मिल रही थी वो मिल रही है, तो एक तरह की सौगात ही हो गई है, क्योंकि अगर मिलनी चाहिए थी और वो चीज नहीं मिल पा रही थी और अब मिल रही है,
और खुले दिल से मिल रही है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, चाहे वो तमाम राजनीतिक दलों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही फेवर में बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सरकार उनकी है ही तो वो तो करेंगी ही, लेकिन उसके अलावा भी वादे यहां पर किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, हम लगातार देख रहे हैं कहीं महिलाओं को साधने की कांग्रेस कोशिश करती हुई नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान यहां पर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये अलग ही मुद्दा हो जाएगा और एक बड़ी चर्चा का विषय यहाँ पर है। रुक करते हैं डॉक्टर अभिषेक राय का। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम थे वो अयोध्या पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने बहुत सारी बातें खुद ही कह दी, आपने कहा ना घोषणाएं, अभी अमलेंद्रू जी ने भी बताया सिर्फ घोषणा करने से अगर विकास हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी अमलेंद्रू जी ने कहा ना कि अगर ये धरातल पे उतर जाता तो बहुत अच्छा होता। 20 लाख करोड़ जो अभी पैकेज मिला था उसमें से कितना खर्च हुआ ये जरूर बहुत अच्छा हो जाता, तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या। सिर्फ मुंह से घोषणाएं कर देने, क्योंकि चुनाव है, बंगाल में भी करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर की घोषणाएं की गई थी, क्या वो धरातल पे उतरी हैं? तो जहां भी चुनावी राज्य होता है वहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कई सारी घोषणाएं कर चले आते हैं और वो घोषणाएं मूल रूप से उतरती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आज जैसे अयोध्या में ये लोग गए थे और वहां पे दर्शन किए, बहुत अच्छी बात है भाई, दर्शन करने चाहिए। काशी से अयोध्या गए और जाके वहां पे लोगों को शायद थोड़ी सद्बुद्धि आई हो कि भाई राम भक्त सभी लोग हैं, वो गरीब जनता भी है जिसको आज 250 रुपए के सरसों का तेल मिल रहा है। हाँ। गरीब जनता वो भी राम भक्त है जिसके थाली से अनाज छीना जा रहा है, वो भी राम भक्त है बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और आत्महत्या करने को मिल रहा है। हमारी सरकार में लैपटॉप मिलता था, भाजपा की सरकार में लाठी मिलती है। चाहे आप कानपुर की घटना देख लें, चाहे आप लखीमपुर की खीरी की घटना देख लें, आप वहां पे देखें एसआईटी ने क्या कहा, एसआईटी ने कहा ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र पूरी सुनियोजित योजना थी जिसके तरीके से किसानों को कुचला गया। अब ये चाहे काशी जाए चाहे बनारस जाए, जनता इनको माफ नहीं करने वाली, जनता ने एक मन बना लिया है। आप जौनपुर के हमारी रैली देख रहे होंगे, आज की विजय रथ यात्रा देख रहे होंगे, कल भी थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौनपुर में, आज भी हैं, आपने देखा होगा कि जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो जनता का प्यार उमड़ रहा है, वो एक बदलाव का संकेत है, बदलाव का घोतक है और ये सरकार उससे डरी हुई है, तो मंदिर मंदिर घूम के अपने लिए माफी मांग रही है ये सरकार। ठीक है अभिषेक जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि एक जन सैलाब उमड़ता हुआ यहाँ पर अखिलेश यादव की रैलियों में भी देखने को मिल रहा है, जनसभाओं में देखने को मिल रहा है, उसी पर मेरा एक सवाल है छोटा सा, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि बंगाल में क्या हुआ, बार बार मैं देखता हूं कि कई बार हम जब भी चर्चा करने के लिए बैठते हैं, और इस बात से अमलेंदु जी भी शायद मेरे इस बात से अग्री करते होंगे कि जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बार बार बंगाल का नाम लेते हुए यहां पर नजर आते हैं कि बंगाल में भी हमने देखा ऐसा हुआ, बंगाल में भी हमने ये देखा, क्या सिर्फ बंगाल का ही नाम लेने भर से मात्र काम चल जाएगा? क्योंकि एक तरफ लगातार एक के बाद एक शीर्ष नेता मैदान में उतर रहे हैं। साहिल जी बिल्कुल नहीं, हम बंगाल तो एक एग्जांपल सेट है कि जहां सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ था हर तरीके से हराने के लिए। हाँ। लेकिन वहां जनता जीती। हाँ। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इनके जितने महारथी उतर जाए, हाँ। 4.5-5 साल अगर इन्होंने काम किया होता, या इनके यहाँ जितने महारथी उतर जाए, जनता इन्हें बदलने जा रही है और जनता का बदलाव का संदेश आ रहा है, जनादेश आने वाला है 22 में। चलिए अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, अश्विनी जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे। अश्विनी जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक एजेंडे के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही हैं एक के बाद एक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर घोषणाएं करते हैं और हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा बनकर उभर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, कोई एजेंडा नहीं है। पहली चीज तो हिंदुत्व हमारा संकल्प है, हिंदुत्व सनातन परंपरा की रक्षा करने का काम एक बीड़ा हमने उठाया है, जो अगर हम लेकर चल रहे तो बुराई क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से किसी को दर्द क्यों हो रहा है? सारे विपक्षी दल इस समय दर्द में हैं,
हमारे पास 11, 12, 13 मुख्यमंत्री जो भी लोग आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उससे दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी को। भाई आपने हज हाउस बनवाया, आप टोपी लगाकर जो है रोजा अवतार कराते रहे, तो हमने तो मना नहीं किया आपको। लेकिन आज जो है, जो हम सनातन परंपरा को जो पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, जो विदेशी आक्रांताओं ने उसको धूल धूसरित किया था, हमने राम मंदिर की परिकल्पना हमेशा की थी और आज हम सनातन को जिंदा रखे हुए हैं काशी विश्वनाथ के रूप में, और आगे अगर न्यायालय का फैसला आता है तो मथुरा के रूप में भी हम करने का काम करेंगे। अभी अमलेंदु जी ने दो चीज कहा, उग्र हिंदुत्व का एजेंडा। कौन सा उग्र हिंदुत्व है भाई, क्या कर दिया? कौन सा अल्लाह अकबर बोल के जो है किसी के घर में हम घुस गए? बोलो, जहां आक्रमण होता है वहां मुस्लिम पाया जाता है, मुगल जो भी थे, कहां है उग्र हिंदुत्व? क्या होता है अमलेंदु जी? आज हमारे प्रदेश के इसी देश के मुख्यमंत्री लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अगर अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो हमारा उग्र हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व का एजेंडा चलाना होता तो 370 जो है हम लोगों ने हटाया, कभी राजनीति की चिंता नहीं की, 35 में राजनीति की चिंता नहीं की। और बीजेपी एक अपने सनातन परंपरा को पुनर्जीवित रखने के लिए, एक उसको उसका एक मूल्यों के जो क्षरण हो रहा है उसको बचाने के लिए हम कहीं भी जाएंगे, अपने 100 करोड़ से ऊपर जो हमारे हिंदू भाई हैं। और इस देश में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देश बटा था धर्म के नाम पर, तो जो हमारे यहाँ रह गए वो 140 करोड़ हिंदू भाई हमारे हैं, हमारे भाई हैं वो, हम उनके लिए भी कर रहे हैं। शौचालय उनको भी मिला है, मकान उनको भी मिला है, 3 तलाक से आजादी उनको भी मिली है, काम उनके लिए भी कर रहा हूँ। अमलेंदु जी ने कटाक्ष किया कि घोषणाएं हो रही हैं। अरे अमलेंदु जी, मैं आपको कहूंगा, सपा के प्रवक्ता ने तो कह दिया, उनको भी जवाब दोनों को एक साथ में देना चाहूंगा कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना 10 साल ये यूपीए में रहे, क्यों नहीं चालू करा पाए? काशी विश्वनाथ का मंदिर ये क्यों नहीं बनवा पाए? इन लोगों ने तो कहा था उस समय जब कि ये नहीं बन पाएगा, ये मूर्तियां यहां जा रही हैं, एक छोटे से बाथरूम साइज में भगवान की जो मूर्तियां रखी थी उनके ऊपर 3-3 मंजिल बन चुका था, उसका ये लोग साथ दे रहे थे। अयोध्या में सरजू के पानी को खून से लाल करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमको मौलाना मुलायम कहो, कैंट विधानसभा उन्होंने कहा हमने इतने हिंदू मरवा दिए, वहां पर क्या उनकी राजनीति नहीं थी? उनकी राजनीतिक नहीं थी तुष्टिकरण की राजनीति। 30,000 रूपए उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को ये लोग देते थे, मुस्लिम बालिकाओं को, हिंदुओं को क्यों नहीं देते थे? मुस्लिम आरक्षण के लिए इन्होंने वकालत की संसद में, तो ये तो मुस्लिम मुस्लिम करते रहे तो वो राजनीति। ठीक है अभिषेक जी आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं राम के दरबार में सरकार, एक तरफ विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि अगर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है, और हिंदुत्व का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस तरीके से काम होने चाहिए वो लगातार हो रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी थी और अभिषेक राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक राय जी, आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्या रणनीति रहने वाली है? सीधा सवाल मेरा है समाजवादी पार्टी की, जल्दी से। साहिब जी, हमारी रणनीति बहुत साफ है। जैसे अयोध्या वासियों ने जिला पंचायत चुनाव में इनके भाजपा के घमंड को चूर चूर किया है, उसी प्रकार से 22 के चुनाव भी इनके घमंड को चूर चूर करेंगे। अब ये चाहे भगवान की शरण में भागे, जनता जनार्दन सबसे बड़ा भगवान होती है लोकतंत्र की, और वो इन्हें अब माफी नहीं देने जा रही है। ये लोग इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे 5 लाख कुर्सियां मंगा दी और 50,000 रख दी, 5 लाख की बिलिंग हुई, वो मलाई खा रहे। एक एक इनका नेता अन्नदाता कहता है, दूसरा उनका बेटा जो है उसके ऊपर गाड़ी चला देता है किसान के ऊपर, और तीसरा उसको बगल में बिठा के दूरबीन से ढूंढता है। तो साहब, ये ढोंग अब चलने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। जनता पूछ रही है कि 2014 में महंगाई डायन थी, आज क्या है? आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इतनी क्यों फैली हुई है? किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार लागत दुगनी कर दी, ये इनसे जनता सवाल पूछ रही है और जनता इनसे सवाल पूछेगी। आप बुंदेलखंड से लेके जौनपुर तक देख लें, जो हमारे जन समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वो एक बदलाव का घोतक है। ठीक है अश्विनी जी, जवाब 22 के चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 2.5 महीने बचे हुए हैं, 15-20 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अश्विनी जी, समय बहुत कम है, जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी जवाब।
जी मैं बता रहा हूँ साहिल जी, देखिए जिसके पास लोग होंगे वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो उतारेंगे, तुम्ही पे शुरू तुम्ही पे खत्म। ये जो है अखिलेश यादव जी एंड उनकी परिवारवाद की पार्टी है। महंगाई जो है यूपीए में 10 साल थे, ये महंगाई दर कभी 10 से नीचे नहीं रही, और अभी 6 साल 14 के बाद जो है महंगाई दर कभी 6 के ऊपर नहीं गई। आज 950 का सिलेंडर है, उसमें 1241 रुपए का सिलेंडर था। ये मत कहें हम प्रदेश में विकास करते रहेंगे और बेहतर विकास की गंगा बढ़ाएंगे, ये समाजवादी नहीं। हमको देखकर कितने लोग जो है मंदिर पहुंचने लगे, कोई टीका लगा के पहुंचने लगा, कोई जनेऊ दिखाने लगा। तो साहिल जी इस समय हिंदुत्व की बात नहीं है, इस समय सनातन धर्म की बात है और उत्तर प्रदेश के विकास। ठीक है, एक एक करके हम पर्यटन की राजधानी बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। आपसे सर्टिफिकेट की, ठीक है अभिषेक जी ठीक है किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, हिंदू है कौन नहीं? ठीक है ठीक है अश्विनी जी, अभिषेक जी अब शांत हो जाइए, समय हमारे पास बहुत कम है। अमलेंदु जी फाइनल कमेंट्स आपके, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगातार चलते ही रहेंगे, फाइनल कमेंट। ठीक है अश्विनी जी अभिषेक जी अब शांत हो जाइए, आपको पूरा मौका दिया गया था यहाँ पर। ठीक है अभिषेक जी जो है वो भाजपा के प्रवक्ता ने कर दी है, और उन्होंने पूछ लिया कि उग्र हिंदुत्व क्या है, यही उग्र हिंदुत्व है जो बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के ऊपर बड़ा भारी संकट रहा कई सौ साल तक, और अब जो अब हिंदू धर्म के ऊपर संकट जो उतारा जा रहा है, तो ये 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब खतरा हिंदुओं पे एकदम से कैसे बढ़ गया है? इतना मजबूत प्रधानमंत्री होते हुए छप्पर की सरकार होते हुए ये पॉलिटिकल सवाल हो गया है, बात नहीं करूंगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस पर टिके ही रहना है, और इस पर नहीं टिके रहेंगे तो होगा नहीं, बताइए क्यों नहीं? तो इनको इसी पे टिके रहना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर काम किए होते तो कोरोना बात होती चाहिए। जिस सरकार के 6-6 विधायक जो है वो कोरोना से काल कवलित हो गए हों, और आप उस पर बात भी नहीं करना चाहेंगे। ये जो बारह बारह मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने लोग मरे, जनता का पैसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। माफ कीजिएगा अश्विनी जी, अमलेंदु जी, अभिषेक जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक ठोस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जान यहां पर फूकी है अपने कार्यकर्ताओं में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य जो है वहां के सीएम अब अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन यहां पर किए गए हैं, हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इसे हिंदू एजेंडा के तहत काम करते हुए ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम कर रही है, लगातार एक के बाद एक यहाँ पर जनसभाएं भी की जा रही हैं, और जनता का समर्थन मिलता हुआ भी भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल नजर आ रहा है। आने वाले समय में जनता का क्या रुख होता है और क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.